Hello guys, welcome to Go Out YT, welcome to YouTube, welcome to live stream of Go Out YT. तो कैसे हैं आप सब लोग? मेरे को तो लगता है आप सब लोग सब ठीक होंगे, क्योंकि मौसम भी अच्छा है, वक्त भी थोड़ा सा ठीक ठाक है. तो आई होप यू गाइज आर ऑल राइट. तो भगवान का नाम लेते हुए हम करेंगे आज का हमारा माइनक्राफ्ट का स्ट्रीम को स्टार्ट. दो दिन मतलब लगभग दो दिन से हम माइनक्राफ्ट में नेदर में अपना जो फोर्टिस हमने ढूंढा है उसमें जाके हम फेलियर के बाद फेलियर हो रहे हैं. एक दिन पहला दिन फेलियर गया, दूसरा दिन दूसरा चेस्ट लूट गया, फिर भी फेलियर गया. लेकिन भाई आज बेटे जम के पेलेंगे सबको. मतलब कल जो गुस्सा मेरे को आया, अब दो दिन का जो गुस्सा है भाई, आज निकालेंगे उन सब पे. वो पिलग्रिम वालों को तो हम एक एक चुन चुन के मारेंगे उनको आज. तो चलते हैं, देर ना करते हुए करते हैं माइनक्राफ्ट को पहले जल्दी से जल्दी ओपन. अच्छा बेटा, माइनक्राफ्ट अपडेट भी हो रहा है तो ठीक है, होने दो डाउनलोड अपडेट. गेमिंग सुबह, हेलो गेमिंग सुबह, वेलकम टू द गो आउट वाई टी, वेलकम टू लाइव स्ट्रीम. कैसे हो भाई गेमिंग सुबह, बताओ कैसे हो तुम? How are you? तो अपना जो माइनक्राफ्ट है तो है. अच्छा, पार्ट टू इज कमिंग. देखो ये जो है केव्स एंड क्लिफ्स का पार्ट टू भी आ रहा है. क्लाइंब हाई एंड डिग डीप ऑन नवंबर 30. ठीक है, तो बेटे तुमको हाई क्लाइंब भी करना है और डीप तक डिग भी कर सकते हो अब. ठीक है, तो स्टे ट्यून फॉर दैट. नवंबर 18 में ये स्टोरी डाला गया था. नवंबर 30 तक ये आने वाला है. तो मेक श्योर यू गाइज आर स्टे ट्यून्ड. अच्छा हूँ, आप कैसे हो? अरे भाई मेरा तो चल रहा है, कैसे भी करके कट रहा है तो बस चल ही रहा है. लेकिन आप लोग हो इसीलिए हम थोड़े अच्छे रहते हैं.
हम जितना टाइम स्ट्रीम करते हैं उतना टाइम अपना मूड बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है, बस आप लोगों की वजह से, आप लोगों के सपोर्ट की वजह से। तो आज क्या बना रहे हो? आज हम कुछ नहीं बनाएंगे सुभजीत, आज हम कुछ नहीं बनाएंगे, आज हम 2 दिन का अपना बदला लेंगे, 2 दिन पुराना वाला अपना बदला लेंगे, जो 2 दिन में हमने गवाया है उस 2 दिन का बदला हम आज लेंगे। सबको पेलेगा तेरा फैजल आज, तुम देख लियो, सबको पेलेगा, ढूंढ ढूंढ के पेलेगा हम। मेरे को और एक पिकेक्स भी चाहिए, इसको रख लो, इसको रख लो, कोल को भी रख लेते हैं, स्टिक को हटाओ यहाँ से, इसको हटाओ यहाँ से। और आज मेरे को ना एक चीज़ मेरे को जानना है, मैं आपका न्यू सब्सक्राइबर हूँ। अरे अरे अरे, थैंक यू सुबह, वेलकम, थैंक्स फॉर योर सब्सक्रिप्शन, थैंक यू। मेरे को एक चीज़ जानना है, पता है मतलब क्या हम मेरा मेरा मेरे को बहुत उत्सुकता हो रहा है, क्या हम सोने से सोने का गा मतलब सोने का जो ये है ना, इससे क्या हम सोने का गाजर बना सकते हैं? ये हमको जानना है। तो देखते हैं हम कर सकते कि नहीं कर सकते, चेक करते हैं। क्या हम गोल्ड डस्ट से सोने का कुछ बना सकते हैं, या फिर गोल्ड से बना सकते हैं क्या? पहले गाजर को लेके आना पड़ेगा। हाँ बना सकते हो, वही वही हम मेरे को चेक करना था, क्योंकि जो सोने का गाजर होता है ना, उससे तुमको ताकत बहुत ज़्यादा मिलता है, बहुत जोर से ताकत मिलता है। और गाजर वाजर सब तो एकदम बढ़ गया है, लेकिन मेरे पास है अभी बहुत गाजर, तो टेंशन का कोई बात है नहीं वैसे। और ये सब ले लेते हैं हम, वीट वगैरह, इससे हम अपना ये बना लेंगे, ये अपना सेमी ऑटोमेटिक फार्म। हाँ तो आज भाई भर के मतलब पे लेंगे उनको, मेरे को बहुत जोर से गुस्सा आ रहा है उनके ऊपर, और आज मैं उनको बेलने वाला हूँ, और वो भी गलत तरीके से। मेरे से रैम का भीख मांगेगा तब भी हम नहीं छोड़ेगा उनको आज। तो चलते हैं पहले अंदर में, और फार्मिंग सेट में यहाँ पे पहले इसको रख दिया। अब अच्छा, गाजर तो मैंने देखा ही नहीं वहाँ पे ना, तो देख लेते हैं गाजर और सोने का ये नहीं होता, कैसे होगा, कैसे होता है, मतलब किस चीज़ के गोल्डन गाजर बनता है हमको बताओ। गोल्डन गाजर हम कैसे बना सकते हैं, बना सकते हैं या फिर वो मिलता है बाहर में? ये रहा, अच्छा भाई तो ऐसा बताओ बेटे। अरे अरे सॉरी सॉरी माय डियर ब्रदर्स, सॉरी। ओके ओके ओके, ये देखो गोल्डन कैरेट बन गया, आज मेरा भाई आया है आपके स्ट्रीम में। अच्छा तो गेमिंग शू का तुम्हारा भाई है क्या? अरे अरे छोटा सुभजीत, वेलकम वेलकम माय डियर ब्रदर, वेलकम वेलकम टू लाइव स्ट्रीम। अच्छा एक गाजर हम खा के देखते हैं कितना बढ़ता है। अच्छा ठीक है, तो गोल्डन कैरेट भी अपने पास, गोल्डन कैरेट और थोड़ा बना लेते हैं हम, क्योंकि गोल्ड गोल्ड तो अपने पास बहुत ज़्यादा है। ठीक है कोई दिक्कत नहीं, एंचेंट हम ना एंचेंटेड गोल्डन कैरेट बनाएंगे बाद में, इसको भी रख देते हैं। और अपने को अभी थोड़ा सा इसके लिए जाना पड़ेगा, क्योंकि हमको चाहिए एन्चेंटमेंट्स, और एन्चेंटमेंट्स हमको मिलेगा तभी जब हम मार के आएंगे। अभी हमको सोने का जूता वहाँ पे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हमको फिर से वापस आना तो नहीं है, तो हम थोड़ा सोने का एक जूता बना के लेके चलते हैं अपने साथ, चलो, क्योंकि फिर मैं उतना दूर गया फिर देखा कि मेरे पास जूता ही नहीं था, फिर गलत काम हो जाएगा, स्कैम हो जाएगा मेरे साथ। जल्दी से जल्दी चलते हैं। अच्छा एक और चीज़ जो लेना है वो लेना है बो का,
मॉब ड्रॉप से हम इसको ले लेते हैं, इसको भी ले लेते हैं, इस वो को भी ले लेते हैं, इसको भी ले लो, इसको भी ले लो। और कहीं पे कुछ तो प्लेट वगैरह कहाँ पर रखा है, फ्लिंट है यहाँ पे, तीन चार फ्लिंट है। तो पहले हम इसमें चलते हैं रिपेयर करिंग के, इसको रिपेयर कर लिया हमने, अभी हम बनाएंगे एरो अपना। ठीक है, चार ठो एरो बना दो, और बाकी का सामान यहाँ पे रख देते हैं क्योंकि काम में यह बहुत जोर से आएगा। वैसे तो वो मेरा भाई का नाम इंद्रजीत है, लेकिन YouTube पर गेमिंग सुबह है। अच्छा, तो इंद्रजीत माय डियर ब्रदर, वेलकम वेलकम टू द गो आउट YT। ये मतलब ये सेट डैमेज हुआ है इसलिए हमने इसको रख दिया है, अभी घर का सुबह बढ़ा रहा है मेरा, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अभी हम जाने वाले हैं अपने वहाँ पे जहाँ पे हमको बहुत ज़ोर से पेला गया था। मतलब ये लोग क्या क्या बताएं, ये लोग कौन है, ये लोग कहाँ से आते हैं, ये लोग हमको पीछे से मार दिया भाई, पीछे से, सामने से मारने का औकात तो है नहीं इनको, पीछे से आके धक्का मार दिया लावा पे। अभी हम सोच लिया कि नेक्स्ट टाइम हम जब जाएगा बाल्टी लेके जाएगा, उसमें पानी भी लेके जाएगा, अभी बाल्टी पानी का ज़रूरत है नहीं क्योंकि अभी हम जाएंगे XP कलेक्ट करने, तो अभी पानी और बाल्टी का ज़रूरत है नहीं, तो जब ज़रूरत होगा तब हम लेके जाएंगे, क्योंकि जब हम वो फोर्टेज में जाएंगे तभी हम लेके जाएंगे। पहले हम थोड़ा सा XP कलेक्ट कर लेते हैं हमने नेदर का XP फार्म से, और वहीं से हम फिर बाकी का चीज़ का शुरुआत करेंगे। यहाँ पे मेरा डायमंड जो पिकैक्स है ये काफ़ी सही है, तो चलो नेदर पे। तो नेदर का जो सफ़र है मेरा वो काफ़ी हद तक सही भी था, काफ़ी हद तक बुरा भी है। इसको पहनो नहीं तो वो फिर मारने आ जाएगा, ये लोग मेरे को मारने आता है भाई, वह काहे हो करता है। एक बार अगर हमने हो कर दिया ना बेटे, तुम तो गए काम से। चलो अब थोड़ा पेला पेली किया जाए इनको। हाँ ठीक, चारों तरफ से ठीक है, चारों ओर से सब ठीक है, अभी थोड़ा ऊपर जाना पड़ेगा, और ऊपर जाके हमको हाथ में बो लेके इनको पेलना भी पड़ेगा। तो लोग किधर है, रुक जा, अबे रुक जा, रुकता नहीं है, अबे रुक जा रुक जा, ये ले मर जा, आ जाओ सारे लोग आ जाओ जल्दी जल्दी। आज हम दोनों ने थ्री वेदर मार दिया ओ भाई, और अभी स्टार से बिकन बनाऊंगा। अरे 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 अरे, नाइस नाइस, और किधर है और किधर है, इतना बंदा कितना कम क्यों है भाई, झुंड किधर गया इनका। आ जाओ लौंडे, आ जाओ लौंडो, आ जाओ जल्दी आओ, आ जाओ जल्दी आओ बेटे, सबको पिल जाने का मौका मिलेगा, आ जाओ बस शिफ्ट मार छोड़ना, आ जाओ। ये देखो ये लौंडा लावा में ढक जाता है, आ जाओ अंदर आओ। ये देखो और ज़्यादा आ रहा है, और ज़्यादा बल्क में मारने का मौका मिलेगा हमको, आ जाओ सब आओ। इसको हम हाथ से हटा देते हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ सब आ जाओ, बहुत जोर से आ रहा है सब, बहुत बहुत ज़्यादा आ रहा है भाई, देखो तो इतना ज़्यादा आ रहा है, देखो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जितना आएगा उतना हमको हमको अच्छा है, जितना आएगा उतना अच्छा है। ये नहीं आता, ये हमको मारता है भाई,
ये फोर्टिस का गार्ड है। अब अच्छे से पहले इसको एक अच्छे से पेड़ेंगे, अच्छे से पेड़ेंगे। यहाँ पे साला स्पॉन नहीं कर रहा, अभी स्पॉन करवाना पड़ेगा, थोड़ा देर वेट करना पड़ेगा, जब यहाँ पे स्पॉन करेगा फिर उनको मारना पड़ेगा। क्या आपने आज खाना खा लिया? हाँ हमने खाना खा लिया, हमने खाना खा लिया, जल्दी जल्दी हम खा लिया आज का खाना, खाना खा लिया इसलिए अब आ भी गया जल्दी से जल्दी। ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, बहुत बढ़िया, आप बहुत बढ़िया, आ जाओ सब, आ जाओ 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 आ जाओ। अरे आ क्यों नहीं रहे हो, आ जाओ लौंडो, आ जाओ जल्दी से, तुम सबको हम बेलेंगे फिर जाएंगे तुम्हारे फोर्टिस में, अब उनको भी बेलना पड़ेगा, उनके लिए हम सब बचा के रख रहे हैं, उनको भी बेलेंगे हम, बारी बारी से बेलेंगे उनको भी। और कौन है और किधर है भाई, इतना कम कैसे आ रहा है ये लोग, इतना कम कैसे हो रहा है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। नहीं, मेरे को वो बच्चा नहीं चाहिए, बच्चे मत आ, बच्चा आने से पहले हम चला जाते हैं अंदर में, नहीं तो वो इसको तोड़ देगा, फिर क्या हो जाएगा। और है क्या? नहीं है। अच्छा बहुत ज्यादा गोल्डन सोल्ड, मत आ रे, मत आ इधर, मत आ इधर, मतलब इधर ही आएगा उनको, मतलब उसको इधर ही आना है भाई, उसको इधर ही आना है। नहीं, दिल एक बार गलती कर सकता है, बार बार हम ऐसा गलती नहीं कर सकते, ये जगह को वो तोड़ देगा। देख तो लिया था लेकिन वो ये थ्रो नहीं किया फ्लेम, चला गया। वो लोडू का बच्चा चला गया, चला गया ना। लेकिन इतना जो कम है ना ये लोग, इससे मेरे को बहुत दिक्कत हो रहा है, इतना कम अगर होगा तो कैसे चलेगा, थोड़ा तो बढ़ो, थोड़ा फूलो फलो, क्या कर रहे हो तुम लोग,
हम 13 इंच 13 का ये लेके नहीं जा सकते। 13 का हम पॉइंट लेके जाएंगे, अपना खुद का नाक कट जाएगा। फिर से नहीं, ये ऊपर में मंडरा रहा है भाई। इसके ऊपर है ये, ऊपर या कहाँ नीचे है क्या? दिखता भी नहीं साला, ऊपर है नीचे है ठीक से दिखता भी नहीं किधर है। ये देखो एक एक झुंड यहाँ पे है। चलो जितने भी आंख हैं उनको हम अच्छी तरह से खातिरदार पहले कर लेते हैं, फिर देखते हैं। अबे क्या लगा के रखा है हूँ? मुझे कहाँ लगा के रखे हो तुम लोग? आइयो सब जल्दी से जल्दी भाई, बेलने के लिए बंदे नहीं मिल रहे, बताओ। आ जाओ आ जाओ, सब आ जाओ जल्दी जल्दी, झुंड बना के आ जाओ पिलने के लिए। एक सेकंड रुको, मेरे पास कितना एरो है? एक ही एरो बचा है ना मेरे को। इस ये जो बच्चा है ना, इसका ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि ये अगर आ गया ना एक बार, ये मेरा इसका पूरा बैंड बजा के चला जाएगा। चलो सब खर्चा पानी कर दिया हमने सबका। एक और का तो हम लगा सकते हैं, लेकिन हम नहीं लगाने वाले। अभी हम काम करते हैं, हम चलते हैं अपने घर में वापस, जहाँ पे अभी ना मेरे पास वो लैपिस भी बहुत ज़्यादा कम है, तो लैपिस लजुली को भी ढूंढना पड़ेगा फिर से। तो लैपिस का थोड़ा चक्कर है। यार थोड़ा चैट भी पढ़ लिया करो थोड़े थोड़े टाइम पर। अरे चैट तो पढ़ रहे हैं हम, लास्ट तुम्हारा तो चैट पढ़ा मैंने, क्या आपने आज खाना खाया? हम तो पढ़ लिए, मैं बोला ना खा लिया मैंने, खा लिया हमने, खाना खा लिया। हमने तो खाना खा लिया। ये तो कुछ अलग ही सीन हो गया यहाँ पे भाई, निकलते ही रात मिल गया मेरे को। चलो कोई दिक्कत नहीं, सो भी लिया हमने, और अभी हम चलते हैं अपने
घर में वापस वापसी करते हैं घर में और देखते हैं वहाँ पे हमको क्या मिलता है, क्योंकि जो सीन है वो है कि जितना भी हो रहा है तो हो रहा है, लेकिन जो लैपिस अभी मेरे को चाहिए बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमने जितना अपना एन्चेंटेड जो भी इक्विपमेंट्स था वो तो हमने सब गवा चुके हैं पहले ही बहुत ज़्यादा जोर से, तो हमको वो चाहिए फिर से लैपिश लाजुली, जिससे कि हम एन्चेंटमेंट बना सकते हैं फिर से वापस। एस आर गेमिंग, हाय हाय एस आर गेमिंग, वेलकम टू गो आउट वाई टी ब्रदर, वेलकम, कैसे हो एस आर गेमिंग, अ वेरी गुड वार्म वेलकम टू यू टू आवर लाइव स्ट्रीम। लैपिस लेजुली बहुत ज़्यादा कम है भाई, देखो बहुत ही ज़्यादा कम। लेकिन हमको इसी से काम चलाना भी पड़ेगा, इसी से ही हमको काम चलाना पड़ेगा, हमको प्रोजेक्टाइल प्रोटेक्शन, ब्लास्ट प्रोटेक्शन, हमको क्या चाहिए, हम ब्लास्ट प्रोटेक्शन लगा लेते हैं यहाँ पे, यहाँ पे क्या है, प्रोजेक्टाइल प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन वन ब्लास्ट प्रोटेक्शन, तो हम प्रोजेक्टाइल नहीं, हम अच्छा क्या लगाए हम, यहाँ पे क्या है, फेदर फॉलिंग, फेदर फॉलिंग, अनब्रेकिंग भाई, अनब्रेकिंग अनब्रेकिंग अनब्रेकिंग, जूते में अनब्रेकिंग हम लगा के क्या करेंगे ये बताओ हमको। प्रोजेक्टाइल प्रोटेक्शन टू, ब्लास्ट प्रोटेक्शन टू, अभी इसमें क्या लगाया हमने, ब्लास्ट प्रोटेक्शन लगाया ना, तो इसमें प्रोटेक्शन, फेदर फॉलिंग, इसमें क्या आ रहा है, इसमें आ रहा है प्रोजेक्टाइल प्रोटेक्शन, प्रोजेक्टाइल प्रोटेक्शन, तो इसमें हम प्रोजेक्टाइल प्रोटेक्शन लगा लेते हैं पैंट में। जूता तो हमको गोल्डन पहनना पड़ेगा, नहीं तो सब मेरे को मारेगा, तो हम इसमें अनब्रेकिंग टू लगा लेते हैं, ठीक है, और इसमें शार्पनेस वन, स्वीपिंग एज वन, हम इसमें शार्पनेस लगा लेते हैं, और इसमें भी कुछ, अच्छा हेलमेट बच गया ना अपना, हेलमेट से मैं कुछ बचाना पड़ेगा, इसमें क्या गया, प्रोजेक्टाइल है गया, इसमें ब्लास्ट गया, इसमें अनब्रेकिंग गया, हेलमेट में क्या है, हेलमेट में प्रोजेक्टाइल प्रोटेक्शन टू, अनब्रेकिंग वन, तो हेलमेट में भी हम अनब्रेकिंग ही लगा लेते हैं, हेलमेट बहुत काम का चीज़ है। पावर वन, एक पावर वो अपने पास पहले से है। आई वॉन्ट टू प्ले विथ यू एस आर गेमिंग, भाई अटेंडेंस का कुछ खबर है क्या, हाँ अटेंडेंस का खबर है अपने पास, अटेंडेंस का सर्वर वो अपना देवान भैया उसको कर नहीं पाया अटेंडेंस का अभी तक, क्योंकि वो बेचारा काम में बहुत ज़्यादा बिजी है, मैं भी तो तुमको पता है मैं भी नौकरी में उलझा रहता हूँ, तो दिक्कत यही है। आई वॉन्ट टू प्ले विथ यू, यस काहे, आई वॉन्ट टू प्ले विथ यू, क्यों नहीं भाई, एक साथ सब मिलके खेलेंगे, क्योंकि हम लोग एक नया सर्वर बना रहे हैं, इनको पता है, सबको पता है कि हम वो सर्वर बना रहे हैं, लेकिन तो दिक्कत है कि अपनी तरफ से ही थोड़ा सा टाइम लग रहा है सर्वर के लिए, क्योंकि हम लोगों को इतना टाइम मिल नहीं पा रहा कि हम वो सर्वर जल्दी से जल्दी बना लें, तो दिक्कत इसी में आ रहा है, लेकिन फिर भी हम सर्वर कोशिश कर रहे हैं कि अपना कि हम जल्दी से जल्दी वो सर्वर बना लें, और यही अपना कोशिश भी रहेगा। तो फ्लिंट हमने सारा का सारा फ्लिंट कर दिया, और फेदर वेदर स्ट्रिंग विंग सब रख लो, और बो में अपना पावर वन आ चुका है, अब चलते हैं, नाश्ता वास्ता सब ले लिया हमने, अब चलो अब लॉन्डो को पेलेंगे भाई, एक एक को पेलेंगे, लेकिन पावर बो में पावर वन का जो सीन है वो मेरे को मालूम नहीं कि क्या होता है, उसका एबिलिटी क्या है, तो हमको चेक करना पड़ेगा, क्या क्या ही नाम दिया एस आर गेमिंग, मतलब क्या ही नाम दिया, मतलब कौन सा नाम दिया हमने। और मैं भी सोच रहा हूँ कि जल्दी ही पीसी ले लूँ, ले लो ले लो, एक पीसी ले लो, पीसी ले लो, या फिर लैप, अगर देखो तुमको जो सीन है, तुमको अगर घर के बाहर जाके ज़्यादा कुछ करना नहीं है,
घर के अंदर ही सब कुछ करना है, या फिर मतलब घर में तुम ज़्यादा टाइम स्पेंड कर पाओगे, तुमको अगर ऐसा लगता है तो तुम लैपटॉप मत लो, तुम पीसी ले लो, क्योंकि उससे तुमको टिकाऊ मतलब टिकाऊ भी ज़्यादा मिलेगा और तुमको सब कुछ मिल जाएगा वहाँ पे। लेकिन अगर तुमको भाई चाहिए कि बेटे हम तो इधर उधर घूमेंगे, तो भाई तुमको लैप ही लेना चाहिए, लेकिन बूट है ना गोल्डन का, तो लेकिन मेरा सजेशन यही रहता है हमेशा सबके साथ कि भाई अगर तुम्हारे पास ये है तो तुम प्लीज प्लीज पीसी ही ले लो, लैपी के चक्कर में मत जाओ। लैपी के चक्कर में जाओगे तो बेटे तुमको बहुत ज़्यादा जोर का धक्का भी लग सकता है। क्या ही करना है तुम लोगों को बताओ, मेरे को ब्लॉक्स चाहिए इसलिए मैं इकट्ठा कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि अंदर में ना बहुत जगह सड़क बनाना पड़ता है अंदर में। अरे भाई बहुत ज़्यादा इंडरमैन, मेरे को इंडरमैन की तरफ नहीं जाना है, मेरे को जाना है यहाँ पे अंदर में जहाँ पे हमने पहले भी 2 बार आ चुके हैं और जहाँ से हम बहुत जोर से पेले गए हैं, फालतू का एकदम फालतू में पेले गए हैं, कोई सीन नहीं था लेकिन फिर भी हमको पेल दिया गया, तो इसीलिए हम फिर से वापस आ चुके हैं अपना बदला लेने के लिए। नीचे देखो, नीचे का सीन, और ये पिलग्रिम्स लोगों को देखो कैसे कैसे आवाज निकाल रहा है। वही तो भाई, इनको क्या मतलब, क्या 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 है इनको, दिक्कत क्या है हमसे बताओ। हमने ना इनको कुछ छेड़ा है ना पेला है, इनको फिर भी हमसे बहुत ज़्यादा दिक्कत है, ऐसे थोड़ी होता है भाई। अरे यहाँ से तो जाने का रास्ता है नीचे, ये तो हमने पहले नहीं देखा, ये कहाँ लेके जा रहा है। इस रास्ते के सहारे जाना नीचे ठीक होगा क्या? नहीं, मेरे को लावा के पूल में नहाना नहीं है फिर से, आई एम सॉरी बट मेरे को लावा के पूल में नहाना नहीं है। इस तरफ से जाके देखते हैं क्या है सीन। अच्छा ये तो यही रास्ता है भाई, ये चारों तरफ लेकिन लाइटें बहुत ज़्यादा लगा के रखे हैं ये लोग, मतलब अंधेरे से डरते हैं ये लोग। ठीक है कोई सीन नहीं, मैं ये भूल गया कि मैं कहाँ से आया था, मैं आया कहाँ से था, किधर पहुँच गया मैं। अच्छा ऊपर से जाना है ना, अरे बहुत जोर का अंधेरा है भाई। अबे यार ये मतलब देखो लौड़े लग गए फिर से, ये मैं कहां से कहां पहुंच गया भाई, और ये कैसे मेरे को मार सकता है, मेरा तो शील्ड एक्टिव था। गलत स्कैम लगा के रखा है मेरे साथ ये लोग। अबे यार मेरे को ये खोना नहीं है सब कुछ, जल्दी चलो। बताए मेरे को, मेरे पीछे पीछे कोई आ रहा है मेरे को मारने के लिए। मर गया लोडू,
लोडू मर गया, मैं भी तो मर ही जाऊंगा। ये कैसे? इसलिए मैं निधर नहीं जाता, ऐसे ही होता है ज्यादा बंदे के साथ। अरे ये कैसे हो सकता है मेरे को बताओ? मेरे को कुछ दिखा भी नहीं वहां पे। इसी रास्ते से ऊपर चलो, मेरा सामान मेरे को चाहिए वापस। मैं कहीं कहां से तो ऊपर, कहीं ना कहीं से तो ऊपर तो गया था मैं। हाँ इधर भी था मैं। तो सीन क्या है? मैं उनको मार नहीं सकता क्या? ऐसा कुछ है क्या? आ जा, एक काम करते हैं, यहां से मैं मतलब आया कहां से फिर यहां पे? ऐसे मैं यहां पे कैसे आ गया? मैं तो खुद कंफ्यूजन में पड़ गया। अच्छा बेटा, मैं यहां से आया था। अच्छा तो वो लोग इधर थे। PSE चंद्र गेमर, गेमिंग करो फिर नेदर जाओ, और ग्राइंडिंग करो फिर नेदर जाओ। अरे अरे थैंक यू फॉर द एडवाइस भाई, थैंक यू। क्योंकि देखो मैं क्या सीन है ना, मैं यहाँ पे नेदर में XP फार्म बना रहा था। मैं तुमको बता रहा हूँ क्या सीन है। फिर मेरे को लगा कि साइड में कुछ ना कुछ तो है, फिर देखा हाँ भाई एक तो फोर्टिस जैसा ऐसा कुछ लग रहा है मेरे को, तो इसीलिए मैं इसको ढूंढने एक्सप्लोर करने के लिए फिर आ गया। अब ये लोग तो मेरे को बेलने पे ज़्यादा, मतलब क्या बताएं, ये लोग तो मेरे को पेलने में लगे हैं कि भाई इसको पेल दो, ऐसा है ऐसा सीन है। तो हम सोचे ठीक है कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, हम थोड़ा थोड़ा करके देखते हैं कैसे क्या जा सकते हैं इधर से इधर। इसीलिए हम फिर आ गए वापस। डायमंड फुल आर्मर रिकमेंडेड फॉर नेदर। अरे थैंक यू। हाँ अरे वही तो, हमको भी तो चाहिए डायमंड का फुल आर्मर, लेकिन हम अपने पास अभी तक है नहीं डायमंड का फुल आर्मर, तो हमको बनाना पड़ेगा। सीन कुछ ऐसा है, हमको वो बना के रखना पड़ेगा डायमंड का फुल आर्मर। हमको पता है कि नेदर में डायमंड का आर्मर तो चाहिए, लेकिन डायमंड सारा मिल ही नहीं रहा था। आपको सारा सामान तो आपको मिल गया, लेकिन आपने इतनी मेहनत से जो XP कलेक्ट किया था वो गया। एकदम सही, तो आपको मिला मिला क्या? ब्लेज ब्लेज वाला आदमी? नहीं, अभी तक तो कहाँ ब्लेज, अभी तक तो इन चूतियों से हम लिपट रहे हैं। अभी कहाँ काहे का ब्लेज? अभी ब्लेज व्लेज तो कोई दिख नहीं रहा है, बस ये लोग दिख रहा है मेरे को, जिनसे मेरे को सावधानी बरतनी है। अभी ये जो सीन है ना, यहाँ पे सीन क्या है, यहाँ पे सीन है कि भाई ये प्लेटफॉर्म भी अच्छा नहीं है। दिक्कत यही है कि यहाँ का जो प्लेटफॉर्म, ये देखो मैं यहाँ पे आया था, यहाँ पे ऑब्सिडियन फैला हुआ है, तो यहाँ पे मैं हम आए थे यहाँ पे, क्योंकि ऑब्सिडियन तो हम ही लगा के गए थे यहाँ पे। ये कौन है? अच्छा ये वो चूतियों में से एक नहीं है, मेरे ऊपर कोई है,
चलो थोड़ा देखते हैं। यहाँ पे भी तो हम आए थे, इसको भी तो हम उठाने वाले थे, लेकिन सीन कुछ अलग ही हो गया, इसलिए हम नहीं उठा पाए। अभी जो सीन है वो है कि भाई हम जा रहे हैं, हम कोशिश में हैं कि हमको कुछ और मिल जाए। क्या क्या बताओ बताओ, मतलब क्या करना है हमको? यहाँ से चाह के डायमंड का खुदाई करके आर्मर वार्मर लेके वापस आना है, क्योंकि देखो अभी तो जितना आर्मर अपने पास था हमको मिल गया, लेकिन अभी जो सीन है वो है कि भाई अगर नहीं मिलेगा फिर से आयरन आर्मर तो सीन बन जाएगा थोड़ा। तो हम दो चीज़ें कर सकते हैं, हम इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, या तो हम यहाँ से वापस जा सकते हैं, क्योंकि अभी वापस जाने का मौका अभी भी बचा है। बच मतलब बच के जाके हम थोड़ा एक्सपी कलेक्ट करके फिर से हम थोड़ा लैपिस लजूली और अपना इसका क्या ही बताएं, उसका हम थोड़ा खोजबीन करके फिर वापस आ सकते हैं, तो ऐसा कुछ बन सकता है। ठीक है बताओ, मैं रिकमेंडेड करूँगा कि आप जल्दी डायमंड आर्मर बना लो। तो फिर तो भाई हमको यहाँ से निकल के जाना पड़ेगा वापस, क्योंकि डायमंड आर्मर बनाने के लिए हमको डायमंड खोजना भी तो पड़ेगा ऐसे। ये देखो ये चूतिया का बच्चा यहाँ पे खड़ा है, ये आ जाएगा अभी, भौंकते भौंकते आ जाएगा। अच्छा मेरे पास कोई ब्लॉक वगैरह है क्या? हाँ है। अब ये मत कहना कि तुम लोग इधर भी हो। भाई ये तो पैदा हो गया यहाँ पे, ये क्या स्कैम है? तो हम घर नहीं जाए का? क्या कर सकते हैं इनका? ये बहुत बड़ा पैलेस है भाई, लेकिन ये टूटा इतना ज़्यादा, टूटा फूटा है ना, और सब कुछ काला काला इतना है कि हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि जाए कहाँ से और निकले कहाँ से। चलो फिर भी हम निकल गए। हाँ क्योंकि फोर्टेस है उसका जन्म स्थान है, हाँ वही है जो, क्योंकि जो मैं ना वो नीचे चला गया था इसीलिए इसको तोड़ने पे क्या होता, देखो इसको लगा दो। अभी हम थोड़ा सा एक्सपी वेक्सी कलेक्ट करते हैं, फिर चलते हैं अपने घर वापस और वहाँ पे जाके पहले डायमंड का खुदाई करते हैं, क्योंकि हमको पूरा डायमंड का गियर अप करके नेदर पे आना है और उसको एंचेंट भी करना पड़ेगा। तो हम थोड़ा
थोड़ा सा काम करते हैं, यहाँ पे हम थोड़ा एक्सपी कलेक्ट कर लेते हैं फिर से वापस। अभी करने के बाद हम जाएंगे नेदर में डायमंड खोजने के लिए, नेदर में नहीं मतलब बाहर में डायमंड के लिए। और इस बो का हम कमाल देखते हैं क्या कर सकता है ये। चलो ये आ गया, उनको भी बुलाते हैं। चलो अरे अरे वो छोटा वाला क्या चीज़ है, एक कुछ छोटा वाला वहां पे फुदक रहा है भाई। अरे आ जाओ, इतना शर्माते काहे हो, आ जाओ। लेकिन ये जो पावर वो है इससे काम क्या हुआ, कुछ काम में नहीं आया ये। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, सारे लोग आ जाओ। अरे अंदर तो आओ लौंडो क्या। हाँ आ जाओ, सबका बदला लिया जाएगा, सबसे बदला लिया जाएगा सबसे। आ जाओ, एक ही बार में 5 से 10 XP बना दिया, और भी आ रहा है। और भी लोग आ रहे हैं, और भी लोग आ रहे हैं। आ जाओ, आ जाओ, सब आ जाओ। आ जाओ, सबको ले जाने के ये बच्चे का बच्चा किधर किधर से आ रहा है, ये किधर है? मेरे पास कितना बो है अभी बो है। आ जाओ, आ जाओ लोगों, जल्दी आओ तुम लोग। वो देखो छोटा वाला, वो क्या है, ये क्या है, मैग्मा का स्टोन। अगर आप अपने हाँ क्योंकि फोटे सुनकर, अगर आप आपके ऊपर पावर 1 लगा के उसे यूज, उससे ज़्यादा डैमेज कम होगा, इसीलिए आप पावर 5 लगा लो आप अपने वो पर, वन शॉट में ये ही ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अभी तक 1 पावर 5 तो मिला नहीं था इंचैंटमेंट, था नहीं वहाँ पे, जब मिलेगा तब हम लगा लेंगे। अबे यार कितना ज़्यादा गोल्डन सोर्ड, इतना सोर्ड लेके कौन घूमता है भाई। चलो इनसे खेलते, एक टूट गया, दो टूट गया, इसको भी तोड़ना पड़ेगा। इसका डैमेज बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा कम गोल्डन सोर्ड का डैमेज। ये वाला बच्चा मेरा सर में दर्द करके रखता है हमेशा। और अभी हम चलते हैं, अभी हम चलते हैं अपने डायमंड की खोज में, क्योंकि हमको ये लग रहा है कि नेदर में हमको जीतने के लिए हमको डायमंड बनाना पड़ेगा। 1 घंटा हो गया आपको लाइव करते करते,
सच में क्या बात कर रहे हो, 1 घंटा हो गया, पता ही नहीं चला भाई 1 घंटा हो गया लाइव करते करते। हम तुम्हारे याद में थोड़ा पानी पी लेते हैं। अरे फिर से हम आ गए नेदर में। अरे अरे निकलो भाई बस बंद कर। एक गोल्डन चीज हटाओ यहाँ पे रखो, ये सब तलवार वलवार रखो यहाँ पे, गोल्डन का जो भी जितना भी है सब रखो। और ये क्या है, ग्लाइडेड ब्लैक स्टन, इसको हम लेके चलते हैं अपने साथ। और हमको खोदना है अभी डायमंड, ठीक है? तो डायमंड का माइनिंग हम करेंगे अभी, फुल फुल डायमंड का माइनिंग चलेगा अभी। नेदर में थोड़ा सा दिक्कत क्या हो गया, दिक्कत हो गया कि भाई चलो एक काम तो हुआ कि भाई मेरे को मेरा सामान मिल गया, ये सबसे बड़ा बात हुआ। क्योंकि अगर ये सामान फिर से छूट जाता ना भाई, पसीने पसीने हो जाते इसको पूरा 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 का पूरा फिर से वापस लेके आने तक, एकदम गलत ही स्कैम हो जाता। मेरे पास कुछ है क्या रखने के लिए, रखने के लायक, रखने के लायक अपने पास क्या है? ये सब बोन वगैरह है, सॉवेल तो चाहिए होगा, ये भी चाहिए, इसको रख दो, इसको रख दो, ये दोनों को लगेगा हमको। इसमें हम बो की रख देते हैं। चलो अब चलते हैं खोदने के लिए अपना। काम करते हैं, इसको साइड करते हैं, इसको साइड करते हैं, इसको भी साइड करते हैं। मेरे को ये सब चाहिए होगा। तो अभी हम क्या, एक एक मेरे को सजेशन दो तुम लोग कि मुझे एक नया जगह पे माइनिंग करना चाहिए या फिर वो हम पिछला जगह पे तो मिल नहीं रहा था। एक काम करते हैं ना, हम एक नया जगह में माइनिंग करते हैं, सबसे बेस्ट होगा। स्टिक चाहिए हमको बहुत ज़्यादा, हम स्टिक कलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि हमको जो उससे लैडर बनाना पड़ेगा। 40 स्टिक हम ले लेते हैं अपने साथ और इससे हम लैडर भी बना लेते हैं थोड़ा सा। लैडर 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 किधर है, तो रेल है, बचा ही नहीं। काम करते हैं सब स्टिक बना लेते हैं क्योंकि लैडर बहुत ज़्यादा लगेगा। 30, चलो 33 लैडर से काम हो सकता है। तो हम कहीं और जगह में जाते हैं और वहाँ से हम खुदाई करते हैं डायमंड की, और वो हम करेंगे किधर से करना है। आज आपने सही पकड़ा, मैंने पहले किया आपको कि 1 घंटा हो गया और आप बहुत दिमाग वाले हो, समझ गए एकदम एकदम भाई एकदम। हमको समझ में आ गया तुम क्या कहना चाह रहे थे, हमको हमको समझ में आ गया, अभी हम समझने लगे हैं ना। अभी देखो तुम अपने साथ हो, हमको समझ में आता है कि तुम हमसे क्या बोलना चाहते हो। तो यही होता है एक बॉन्डिंग, यही होता है मतलब एक असली बॉन्डिंग इसको बोलते हैं। यही यही रहना चाहिए तभी जाके ना काम बन पाएगा, यही तो है। हम थोड़ा पेड़ काट के अपने पास ले लेते हैं कि कब कहाँ पे दरकार पड़ जाएगा इसका। नहीं मतलब वुड बहुत कीमती चीज़ है, ठीक है?
वुड को हम ऐसे वेस्ट नहीं कर सकते, तो हमको खोदना है नीचे, डायरेक्ट डायरेक्ट नीचे जाना है फिर से, तो वो हम खोदने वाला काम किधर करें? इधर कर लेते हैं, यहाँ पे नीचे तो गाय भैंस घूम रहा है भाई, इधर ही करते हैं। चलो चलो बहुत जोर से नीचे, जल्दी जल्दी खोदेंगे। आज लगता है आपको कि कितना डायमंड मिलेगा? मेरे नसीब में तो वैसे होता नहीं है, देखते हैं। अरे अरे अरे, हम क्या ही कर रहे हैं, मैं तो भूल ही गया सीढ़ी लगाना था मेरे को। चलो कोई दिक्कत नहीं, लगा लेंगे। 38 तक हम आ गए, फिर भी नीचे जाना पड़ेगा, गलत काम हो गया, गलत ही काम कर लिया हमने। कहाँ तक आए हम? 30 तक आए ना, यहाँ पे तो माइन शाफ्ट निकल गया। अबे यार, इसको हम ब्लॉक कर देते हैं, अभी हमको माइन शाफ्ट में नहीं जाना है। ये क्या हो गया? रुको, ऐसे कोई गिराता है ऊपर से नीचे, डायरेक्ट मेरे को गिरा दिया। एक सेकेंड, मेरे को ना यहाँ पे एक बत्ती जलाने का दिल कर रहा है मेरे को। अभी ऊपर का सीन जो है, मेरे पास एक बेड भी नहीं है, तो सीन जो है, मैं एक बेड भी नहीं लाया अपने साथ। बहुत बढ़िया, बहुत उम्दा। अभी मेरे को फिर से लड़ाई करने के लिए भेज रहा है, क्योंकि यहां से मैं नीचे उतरूंगा, मेरे को लड़ाई के मैदान में मिलेगा फिर से। एक काम करते हैं, यहाँ पे एक लैडर लगाते हैं। और यहाँ पे अभी लैडर के सहारे उठ के यहाँ पे खुदाई करते हैं। मैं क्यों ऐसा कर रहा हूँ? क्योंकि मेरे पास जो होना चाहिए था वो है नहीं। मैं इस जगह को एक्सप्लोर तो बहुत जोर से करना चाहता हूँ और करूँगा भी। रुको, पहले हमको थोड़ा सा इसको देखना पड़ेगा, सीन क्या है इसका। अभी हमको यहाँ पे लाइटें लगाना पड़ेगा। चलो लगा दिया लाइट। यहाँ पे गोल्ड है, ये क्या है? स्लेट।
यहाँ पे गोल्ड है, ऊपर मेरे सर के ऊपर गोल्ड दिख रहा है मुझे। मैं कहाँ पे हूँ, कहाँ पे? 16 ये देखो, यही तो मतलब यही तो है, जो भी है यही है, ऊपर में है। इसको बंद करो। यहाँ पे तो लावा है भाई, 13 मतलब। यहाँ पे तो गोल्ड का कुछ होना चाहिए था, लेकिन गोल्ड तो है नहीं यहाँ पे। गोल्ड मतलब सॉरी, डायमंड तो होना चाहिए था। ये तो ग्रेवल है या पत्ता, धोखा से मतलब, ये पत्थर धोखा से देता है, धोखा सा देता है। हाँ ये तो सही है, ग्रेवल तो धोखा तो देता है, ग्रेवल भी धोखा देता है, सैंड भी धोखा देता है। तो मुझे यहाँ से कुछ चेक करके आना पड़ेगा कि कुछ सीन है क्या नहीं है। ये देखो चमगादड़, देखो कैसे झूल रहा है यहाँ पे, डर लग गया था भाई इसको देख के मुझे। अबे यार ऐसे डराया मत करो। देखो गोल्ड का तो कुछ नामो निशान भी नहीं दिख रहा। गोल्ड बोल रहा हूँ बार बार, डायमंड, डायमंड का तो मेरे को कुछ नहीं दिख रहा है यहाँ पे। केव तो बहुत बढ़िया केव है, लेकिन डायमंड वायमंड कुछ नहीं है, सब ऊपर नीचे होके रखा है ये सब। क्या है ये, डीप स्लेट होगा। कुछ डायमंड नहीं है, कुछ गलत ही सीन है भाई। चारों तरफ गोल्ड ही गोल्ड है। तो यहाँ पे अपना खुदाई वेस्टेज है, तो हमको करना है कि यहाँ से भी नीचे जाना है। ठीक है, हम इसको एक गार्ड की तरह बना देंगे और यहाँ से भी हम नीचे चले जाएंगे, चलो, ताकि कोई हमको परेशान ना कर पाए। 17 18 19 ग्रेवल का बच्चा, 11 आ तो गए 11 तक। अभी खोदे की तरफ, इस तरफ लावा है, इस तरफ खोदना चालू करते हैं। हाँ एकदम डायरेक्ट है ये, इस तरफ चालू करते हैं खोदना अपना, देखते हैं कुछ मिल पाता है कि नहीं मिल पाता है। एटलीस्ट मेरे को तो लैपिस तो चाहिए ही चाहिए। देखो मेरे को वहाँ पे मेरे को ना ये लेके आना चाहिए था, पता है क्या, वाटर जो मैं नहीं लेके आया, वो मेरे को लेके आना चाहिए था। अभी मेरे को तैयार रहना पड़ेगा हमेशा, कि कुछ भी हो जाए जल्दी से जल्दी स्टोन वोन कुछ डाल के देना है सामने। प्रतीक बाना क्या कर रहे हो? प्रतीक बाना वेलकम टू द स्ट्रीम ब्रदर। क्या कर रहे हैं? हम कर रहे हैं कि हम ढूंढ रहे हैं कि डायमंड, हम डायमंड का खुदाई कर रहे हैं, हमको डायमंड का खुदाई चाहिए, क्योंकि नेदर में जाने के लिए हमको फुल फुल डायमंड आर्मर चाहिए जो अपने पास है नहीं, तो इसीलिए हमको डायमंड चाहिए अभी, इसके लिए हम खुदाई कर रहे हैं। अभी पानी का स्रोता का आवाज़ भी आ रहा है हमको, थोड़ा थोड़ा करके देखना पड़ेगा क्या सीन है। आस पास में कुछ तो पानी का कुछ तो है, पानी तो बह रहा है आस पास से। अरे 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 अरे, ये लो
पर माइनक्राफ्ट है ये? क्या वही जगह है क्या? एक मिनट रुको, पहले हमको चाहिए एक पानी का बकेट। बकेट बना कर दो, और चाहिए एक ये भी हम बना के रख लेते हैं एक, क्योंकि कब दरकार पड़ जाए। तो जो सीन है अभी वो है, को ढूंढना है डायमंड, और हम आ गए फिर से एक माइन शाफ्ट में। बहुत बढ़िया, बहुत उम्दा, लेकिन डायमंड किधर है? माइन शाफ्ट तो ठीक है, लेकिन डायमंड किधर है? ऑब्सीडियन है, सब कुछ है, डायमंड किधर है? डायमंड दिख नहीं रहा। ये तो वही माइन शाफ्ट है भाई। अबे यार, भाई ये वही वाला माइन शाफ्ट है, यहाँ से कुछ नहीं मिलने वाला। यहाँ से हटो, यहाँ से हटो, यहाँ से कुछ नहीं मिलने वाला, यहाँ से वापस जाना पड़ेगा। डू यू नो लैपिस ट्रिक? डू यू नो लैपिस ट्रिक? नहीं, लैपिस ट्रिक नहीं पता मुझे, आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता, हमको नहीं पता लैपिस ट्रिक के बारे में। तुमको पता है तो बताओ हमको क्या है। ग्रेवल आ रहा है भाई ऊपर से बहुत जोर से। सोविल किधर है अपना? अपने को सोविल मांगता है यहाँ पे। अंडा क्या कर रहा है यहाँ पे? चलो फ्लिंट तो मिला एक कम से कम, कुछ नहीं तो फ्लिंट ही सही। अबे यार कितना, इधर से भी नहीं हो पाएगा तो इधर से ट्राई करना पड़ेगा। अब बचा ही क्या, इस तरफ जाना पड़ेगा थोड़ा फॉर फाइंडिंग डायमंड्स। नहीं पता भाई क्या है, बताओ हमको, सिखाओ हमको क्या है लैपिस ट्रिक फॉर फाइंडिंग डायमंड। आए हाय, देखो देखो तो लॉन्डो क्या मिला हमको। देखो गाइज, देखो हम थोड़ा बत्ती लगा के देख दिखाते हैं तुमको। देखो क्या मिला, किस चीज़ का ब्लॉक है ये, जल्दी से जल्दी चैट में बताओ ये किस चीज़ का ब्लॉक है। इसको अभी हम तोड़ने जा रहे हैं। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये भी देखो। फोर ब्लॉक्स इन जेड प्लस डायरेक्शन ऑफ लैपिस, और ओके देयर इज मोर चांस ऑफ फाइंडिंग डायमंड। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे डायमंड मिल चुका है, तो शायद आगे नहीं मिल पाएगा मुझे यहाँ से, और तो इस जगह को हम ब्लॉक कर देते हैं। अभी हम खोजते हैं ये साइड में। चलो वो साइड से तो मिल गया जो मिलना था। मतलब इतना पास में डायमंड ब्लॉक था, और हम कहाँ कहाँ नहीं ढूंढे उसको, बताओ। यही होता है भाई, यही सीन होता है। जो ब्लॉक पास में होता है उसको हम ढूंढने के लिए बहुत दूर जाते हैं, लेकिन हम इस रास्ते को ब्लॉक कर देते हैं क्योंकि जो सीन है, क्योंकि लास्ट, नहीं तो हम फिर भटक जाएंगे कहाँ पे जाना था, कहाँ से आए हैं। इसको हम ब्लॉक करके रख देते हैं और इस तरफ खुदाई करते रहते हैं, उनको शायद मिल जाएगा थोड़ा और डायमंड।
वाओ डायमंड ब्लॉक, यस वाओ नाइस। तो हमको मिला कितना मिला, चार चार तो डायमंड मिला वहाँ से, काफ़ी हद तक सही है, चार डायमंड। लेकिन इस टाइम इस वाले को हमको गंवाना नहीं है, लास्ट टाइम हमने बहुत ज़्यादा डायमंड गंवा चुके हैं। मतलब आज अगर वो डायमंड अगर मेरे पास होता तो भाई मज़ा आ जाता। अब जो हो गया सो हो गया, लेकिन जो सीन है वो है कि मेरे को लैपिस लेजुली भी चाहिए, वो तो नहीं मिल रहा, पहले तो बहुत ज़्यादा मिल जाता था, मतलब ऐसे खोदते खोदते तो लैपिस ही मिलता था, डायमंड कहाँ मिलता था। अभी खोदने पे डायमंड मिल रहा है, लैपिस नहीं मिल रहा, बताओ। अच्छा मैं डर गया था कि भाई क्या हो गया, नीचे से मिट्टी खिसक गई क्या। लैपिस तो दिख ही नहीं रहा आसपास। फॉर्चून 3 का एन्चेंटमेंट, क्या आपके पास पिकेक्स प्लस फॉर्चून 3 है? नहीं है फॉर्चून 3 मेरे को, ना एन्चेंटमेंट टेबल का कुछ करना पड़ेगा, वो साला मेरे को दे नहीं रहा। मेरे को वहाँ पे बुक का जो सेटअप है उसको थोड़ा और बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो वो नहीं देगा। या फिर एक लाइब्रेरियन से बुक बुक छीन छान के लाना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि मेरा जो एन्चेंटमेंट टेबल है वो तो दे नहीं रहा मेरे को। अच्छा अच्छा वाला एन्चेंटमेंट सब छुपा के रखा है साले ने, तो अभी उसको उसका थोड़ा देखना पड़ेगा हमको। अभी पानी का साउंड बहुत ज़ोर से आ रहा है, और अभी एक इसका साउंड सुना मैंने, ये क्या है। अच्छा तभी मैं सोचू कट क्यों नहीं रहा इससे पिकेक्स से, तब मैंने देखा कि हाँ भाई हमारे पास तो हाथ में एक्स आ गया है। ये लो, बात करते करते अपने को लैपिस का थोड़ा सा मिल चुका है, अच्छा हुआ। लैपिस मिलने पे मेरे को खुशी भी बहुत जोर से हुआ, मिल नहीं रहा था ना ये, तो इसलिए थोड़ा खुशी हो गया। लेकिन जो सीन है वो है, फिर से लावा का साउंड आ रहा है मुझे। लावा का साउंड यहाँ से आ रहा है, इसका मतलब लावा आसपास है, तो आसपास लावा है तो आसपास उसको भी होना चाहिए जिसको हम ढूंढ रहे हैं। थोड़ा लावा के करीब चलते हैं, अगर मिल जाए तो बहुत बढ़िया। ये मेरे स्टोन का स्टैक्स बनता ही जा रहा है, बनता ही जा रहा है। ये हम कहाँ आ गए, यहाँ पे कोई डायमंड ओर तो है नहीं, और यहाँ पे तो चारों तरफ लावा का लावा स्रोत है, यहाँ पे एक भी डायमंड ओर नहीं है, तो इस साइड का जो सीन है वो फेल है। चलो वापस जहाँ से हम जा रहे थे वहीं पे। हाँ अगर होता तो 4 डायमंड के जगह 8 या 10 डायमंड मिल जाता, वही तो। वो साला मेरा वो एक टेबल मेरे को दे नहीं रहा भाई, इतना अच्छा अच्छा एन्चेंटमेंट है पता तो है मुझे, लेकिन वो मिल नहीं रहा मेरे को। एक लाइब्रेरियन को पकड़ के लाना पड़ेगा घर पे, तब शायद कुछ हो सकता है। लेकिन थोड़ा सा मतलब 4 डायमंड से क्या ही होगा, थोड़ा और मिल जाता तो अच्छा होता। हम थोड़ा और खोद लेते हैं, शायद मिल जाए कहीं से। अबे यार यहाँ पे तो कुछ नहीं है, बताओ ऐसा कौन करता है। एक तो डायमंड इतना खोदने के बाद 2-3 तो डायमंड मिलना चाहिए था ना भाई, ऐसे थोड़ी चलता है।
चलो चलते हैं जल्दी से जल्दी वापस, अभी हमको मतलब गुस्सा आ गया इस पे। हम थोड़ा आसपास ही खोदते हैं, वहां पे जहां पे हमको डायमंड मिला ना उसी साइड में हम थोड़ा चलने हैं। अब इस साइड को थोड़ा ब्लॉक करके रखो, हम इसी साइड में चलते हैं, क्या पता इसी साइड में और भी डायमंड मिल जाए, हो सकता है ना। चेक करते हैं इसी साइड में अगर मिल जाए और। बहुत बढ़िया, मतलब हम एक बहुत काम में आएगा, क्योंकि एन्चेंटमेंट बनाने में यही बहुत काम में आता है, यही है एक। अभी इस मतलब यहाँ पे ना सब कुछ खोद देगा, मैं सब खोद देगा यहाँ पे, अगर डायमंड होगा तो हमको मिल जाएगा, दिख जाएगा ना डायमंड। अच्छा यहीं से तो मैं आया था, लेकिन यहाँ पे और नहीं है, यहाँ पे और कुछ नहीं है। आज आप कितने बजे तक स्ट्रीम करने वाले हो? हम आज ज़्यादा नहीं तो करेंगे, थोड़ा सा करेंगे, हम इतना भी ज़्यादा नहीं करने वाले, एक्साइटेड हम नहीं है इतना, मतलब एक्साइटेड तो है लेकिन हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमको कल फिर से हम आएगा अपना स्ट्रीम आएगा। मतलब अपना स्ट्रीम मतलब क्या है कि सब उठा लेते हैं, थोड़ा थोड़ा एक्सपी भी आ जाएगा, कोल भी आ जाएगा, कोल अपने पास है नहीं, कोल भी मिल जाएगा हमको, एक्सपी भी मिल जाएगा, दोनों एक साथ, तो सारा का सारा हम उठा लेते हैं। अच्छा ये बात है, चलो इसको बंद कर दिया हमने, सारा का सारा कोल उठा ले। पिकेक्स टूट गया भाई मेरा, लैपिस लजूली एक स्टैक से ज्यादा हो चुका है। कोल तो बहुत बहुत मिल रहा है कोल,
क्या है ना, मुझे नींद आ रहा है तो सोना पड़ेगा, और ऐसे ही आपकी स्ट्रीम छोड़ के मैं जा नहीं सकता, क्योंकि मैंने कहा था कि फुल सपोर्ट, तो स्ट्रीम स्टार्ट से स्ट्रीम तो देख मतलब एंड तक देखना तो बनता है ना। अरे कोई बात नहीं भाई, अगर तुमको नींद आ रहा है तो तुम सो सकते हो, सो जाओ, कोई टेंशन नहीं, हम भी सोएगा ना। है करने से कुछ नहीं होता, तुम अपने को कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ग्लोबल स्टोनी है ना ये, चलो यहां से भी। अभी हम इसको हाथ में लेते हैं, इसको हाथ में लेते हैं, और बाकी तो हमको चलना पड़ेगा अभी, भागो नहीं तो यहाँ पे बहुत जोर का पड़ेगा फटका। तभी मैं सोची कहाँ से आया इतना तीर। बहुत लोग है भाई, सब मिलके हमको पेल रहे थे भाई। चलो जल्दी जल्दी एक बार सो जाते हैं, एक बार सो जाते हैं, नहीं थोड़ा मुंह में पानी मार देंगे तो नींद चला जाएगा। और वैसे भी 20 आवर्स के बाद आपसे बात करने को तो मिलता है, और आपको तो पता है कि मुझे आपसे बात करने में बहुत अच्छा लगता है। अरे हाँ भाई, मेरे को भी तो अच्छा लगता है, तुम अकेले थोड़ी ना हो इसमें। हमको भी तो अच्छा लगता है भाई बात करने में, हमको अच्छा नहीं लगता, क्या बोलते हो? ये देखो कितना कितना तीर मारा है, 1 2 3 4, कहाँ कहाँ घुसाया है हमको, मतलब अलग ही नशा है इन लोगों का। मतलब करना क्या है तुमको? अबे क्या बेभोसड़ी के, चलो हम आज देखो, अभी देखो मेरा कितना सारा स्टोन है अपने पास, इतना स्टोन से हम करें तो करें क्या, इतना स्टोन से एक नया कैसल बन जाएगा मेरा। इसको रख सकते हैं हम, इसको हम रख सकते हैं। अबे यार क्यों मार रहा है, मैं तेरे को कुछ बोल नहीं रहा हूँ इसीलिए तू मारेगा मेरे को, ऐसा मत करो, मारो मत हमको। मेरे को ना एक तो नया सा ये चाहिए, चेस्ट, चेस्ट किधर है, चेस्ट चेस्ट, इसमें सारा का सारा स्टोन इसमें डाल दो, जितना भी स्टोन है सब इसमें डाल दो। अरे आप तो बिल्कुल महेंद्र बाहुबली लग रहे हो, हाथ में पूरा शरीर में एरो लगते हुए घूम रहे हो। अरे अरे वही तो है भाई, ये देखो छोटा मुर्गी पैदा हो गया। हाई पक जा,
सॉरी। चलो अभी एक काम करते हैं, जल्दी से जल्दी इसको पकाने के लिए रख देते हैं यहाँ पे, और डायमंड्स को इधर रख देते हैं। लैपिस भी बहुत ज़्यादा लेके आए हैं, लैपिस भी रखते हैं, इसको भी रख देते हैं, एरो वैरो सब रख देते हैं। रेडस्टोन काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, रेडस्टोन अभी नहीं चाहिए होगा हमको, और तो एक काम करेंगे हम, बकवास में हम आयरन पका रहे हैं पता है, इसको नहीं पकाते हैं, फालतू का पकाने से कोई मतलब नहीं बनता। आयरन मेरे पास, जब मेरे पास आयरन का फार्म है तब मेरे को आयरन क्यों पकाना है, हमको नहीं पकाना है आयरन। और ये कौन सा स्टाइल है खाने का, मतलब थप्पड़ मार के ही बोलोगे? हाँ थप्पड़ मार के ही बोलेंगे हम, एकदम थप्पड़ मार के बोलेंगे हम। यही तो है, यही तो मतलब इसी से तो चलता है दुनिया, थप्पड़ से ही तो चलता है दुनिया। जब हम छोटे थे मम्मी क्या बोलती है, अब एक तुमको एक थप्पड़ लगाएगा ना तो तुमको सब समझ में आ जाएगा। तो थप्पड़ ही है वो जो हमको बचपन से हमको सिखाता है सब कुछ। ये तो बस स्कूल कॉलेज तो बस यूं ही खोल के रख दिया है सरकार ने, यही थप्पड़ ही है जो हमको सिखाया सब कुछ। यस ब्रो यू आर राइट भाई। बहुत ज़्यादा पेले गए हम भाई, बहुत ज़्यादा पेले गए, एकदम थप्पड़ से पेले गए, मतलब क्या क्या, रोटी बेलने वाला चक्की से पेले गए, वो कितने दुख भरे दिन थे। कहाँ हम पास्ट में चले गए मेमोरी पे अपना, लेकिन उन सबको साइड करते हुए हम मतलब क्या बताएं, एक खबर जो आने वाला है, जो एकदम तगड़ा खबर जो हम देने वाले हैं अभी तुम लोगों को, वो है कि कुछ दिनों के बाद स्ट्रीम शायद कुछ दिनों के बाद स्ट्रीम डबल टाइम हो जाएगा। डबल टाइम मतलब तुमको दोपहर को भी स्ट्रीम देखने को मिलेगा और रात को भी मिलेगा। तो जैसे हम पहले स्ट्रीम करते थे टू टाइम्स, तो इस बार भी शायद टू टाइम स्ट्रीम देखने को मिलेगा, तो और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। और उसी टाइम में हम एक टाइम एक साथ मिलके खेलेंगे, एक टाइम हम खुद का अलग सा गेम खेलेंगे। तो कोशिश यही, इसीलिए जो मैं सोच रहा हूँ वो थोड़ा सा बड़ा मैं सोच रहा हूँ, तो इसीलिए मुझे एक ऐसा सर्वर चाहिए। एटर्नस का सर्वर जो है लैग करता है, लेकिन एक सर्वर जो अपने पास है वो सही है, तो उसको हम मॉडिफाई करने का कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर वो सर्वर नहीं हो पाता तो एक सर्वर में कोशिश कर रहा हूँ कि मैं ले लूँ, जो सर्वर में सब मिलकर खेल सकते हैं, क्योंकि खेलने के टाइम अगर लैग करता है ना सर्वर तो मेरे को बहुत गुस्सा आता था। हाँ इसी तरह तो बोल रहा हूँ कि मुझे भी बुला लो आपके माइनक्राफ्ट एसएमपी में, तो आप कम पहले जाओगे, मैं आपको प्रोटेक्ट करूँगा। अरे अरे वही तो हम चाहते हैं, तो इसीलिए यही जो है जो बड़ा सा हम सोच रहे हैं, इसी के बारे में हम सोच रहे हैं, क्योंकि आगे चल के जो स्ट्रीम हमारा दो टाइम में आने वाला है, तो उस टाइम में हम यही सोच रहे हैं कि जो सर्वर हम लें तो अच्छा सा लें, ताकि हम जब दो टाइम का स्ट्रीम करें और तो सबके साथ खेलने में मज़ा भी आए और सबको खेलने भी मज़ा आए, क्योंकि जब सर्वर लैग करता है ना तो तुमको भी खेलने मज़ा नहीं आएगा, यही दिक्कत है। ठीक है कोई बात नहीं, तो हम खेलेंगे एक साथ, सर्वर अपना आ जाने दो तीन दिन शायद लग सकता है अभी तक, क्योंकि मेरे को भी थोड़ा सा टाइम नहीं मिल रहा अभी नहीं मिल रहा, लेकिन मिलेगा टाइम मिलेगा, और इसीलिए हम बोल रहे हैं कि हम दो टाइम स्ट्रीम करने आएंगे। तो
और उसको भी टाइम मिल जाएगा, देवैन को भी मिल जाएगा, तो फिर एकदम बढ़िया से हम करेंगे मिक्स एंड मैच करके। तो उस टाइम तक थोड़ा सा सब्र रख लो, मतलब तुम सबसे रिक्वेस्ट है थोड़ा सा सब्र रख लो, हम खेलेंगे। हमने अगर बोल दिया एक बार खेलेंगे तो हम खेलेंगे, ज़रूर खेलेंगे साथ में। तो गाइस आज के लिए अपना स्ट्रीम यहीं तक ख़त्म होता है, हम आज का स्ट्रीम यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं आप सभी लोगों से हमारे नेक्स्ट कल के स्ट्रीम पे। कल के स्ट्रीम में हम और भी डायमंड माइन करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्ट करने की कोशिश करेंगे डायमंड्स, और बनाएंगे एक फुल डायमंड आर्मर का सेट। फिर जाएंगे हम नेदर को एक्सप्लोर करने, फिर जाएंगे हम फोर्ट्रेस पे, और फिर से हम पहले तो बुक्स बुक्स इस्तेमाल करके हमको थोड़ा सा इसको फॉर्चून वाला वो अच्छा अच्छा वाला एन्चेंटमेंट चाहिए। ये सब प्रोटेक्शन वोटेक्शन से कुछ नहीं होता, मेरे को वो अच्छा वाला चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं कैसे हम उनका इनका इंतज़ाम कर सकते हैं, और मिलते हैं आप सभी लोगों से हमारे नेक्स्ट लाइव स्ट्रीम पे। तो जितने जो लोग हमारे साथ नए जुड़े हो, जल्द से लाइक करो, सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को, और जुड़ जाओ हमारे साथ हमारे लाइव स्ट्रीम पे। और मिलते हैं आप सभी से हमारे नेक्स्ट लाइव स्ट्रीम जो ही कल है, और 300 में गिव अवे आने वाला है। तो मेक श्योर यू गाइस लाइक सब्सक्राइब ज्वाइन डिस्कॉर्ड। तो टाटा, बाय बाय, गुड नाइट, एडियोस, बाय बाय गाइस, लव यू ऑल, ओके, गुड नाइट, सी यू टुमारो, यस सी यू टुमारो। हाँ हाँ ब्रो, कोई नहीं, एक ही सर्वर होगा आपका, एकदम क्लियर विदाउट लैग। वही तो हम चाहते हैं कि लैग ना हो, तो खेलने में मज़ा आ जाएगा सब मिलके। तो चलो मिलते हैं आप सभी से, गुड नाइट, टाटा, सी यू गाइस।